अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। फेमस यूट्यूबर मालती चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उनका शव घर में ही फंदे से लटकता बरामद हुआ है। मौत से कुछ घंटा पहले ही मालती चौहान ने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें उन्होंने बताया कि वो मायके से अपने ससुराल जा रही हैं, चाहे वहाँ पति मारे काटे मैं नहीं जानती। अपनी वीडियो में मालती चौहान आगे ये भी कहती हैं कि ससुराल वाला घर मैंने बनवाया था और उसमें मेरा हक बनता है, मैं वहीं रहूंगी, मुझे वहां रहने से कोई नहीं रोक सकता है। मालती चौहान ने यह भी कहा कि यदि पति और किसी के साथ वीडियो बनाना चाहता है तो वो बनाए, मगर मैं अपना चैनल बंद नहीं करूंगी, और फैंस से उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी कहा। लेकिन किसी को क्या पता था कि मालती चौहान का ये आखिरी वीडियो होगा। आपको बता दें कि अर्जुन वर्मा से मालती चौहान के विवाह होने की भी वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी। पिछले महीने मालती चौहान द्वारा नाथनगर निवासी अर्जुन वर्मा से विवाह करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अर्जुन वर्मा मालती चौहान के मांग में सिंदूर लगाते दिखाई दे रहा है, साथ ही पति विष्णु भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि इसके बाद अर्जुन के साथ कहीं चली गई थी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर महुली थाना क्षेत्र के काली जगदीशपुर गांव का है, जहां मालती चौहान का शव ससुराल में घर के अंदर फंदे से लटकता मिला है। खबर मिलते ही आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस ने अर्जुन को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मालती का परिवार मालती की मौत को हत्या बता रहा है। संज्ञान ले रहे हैं और यहाँ पर आए जांच के लिए। सर जो है किस मामले के किस एंगल से आए? ये बताया जा रहा है कि मालती चौहान ये कल ही अपने मायके से यहाँ पे आए अपने पत्नी विष्णु राज के साथ, और सुबह इनका फोरेंसिक टीम को यहाँ मौके पर बुलाया गया, पूरी जाँच पड़ताल की गई है। मालती इनके पिता तहरीर दे रहे हैं थाने में, उसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी पूरे प्रकरण में। किसके खिलाफ दिए हैं? उसके पति विष्णु राज के खिलाफ दिए उन्होंने। हाँ। क्या सर जी कोई और भी जो है आप लोगों के पास रिपोर्ट गई किसके पहले? नहीं, इसके पहले और पुलिस को छानबीन की जा रही है कि आप पहले कोई शिकायत पति पत्नी इनको विवाद हुआ था क्या? यहाँ आने पर पता चल रहा है इनके बीच मनमुटाव जरूर था। जी जी, नहीं समझौता भी सर हुआ जिस मामले में अर्जुन और मालती से शादी का मामला सर सामने आया था, फिर आप बात समझौता भी ये लोग कर लिए, फिर ऐसा क्या हो गया? सर विष्णु राज ने अपनी पत्नी की शादी 12 बजे रात को मंदिर में करवाई थी। ये मामला करीब 8-10 दिन से चल रहा था। इस चीजों को तो अभी पता नहीं है पुलिस को, चूंकि आप बता रहे थे इस तथ्य पर भी जानकारी की जाएगी और विवेचना में समाहित किया जाएगा। क्या ये कानून ये अधिकार देता है कि कोई अपनी पत्नी की शादी दूसरे मर्द से बगैर किसी को खबर के प्रशासन को खबर किए? बिना तलाक की कोई भी शादी दूसरी शादी अवैध होती है, कानूनी मान्यता उसकी नहीं होती है।